नमस्ते दोस्तों, कढ़ाई वेजिटेरियन हिंदी में आज हम बनाएंगे बीटरूट कटलेट। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट टेस्टी कटलेट आप कभी भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी से पहले एक फन फैक्ट सवाल, क्या आप जानते हैं कि चुकंदर के मदद से हम हाजमा यानी डाइजेस्टिव हेल्थ कैसे चेक कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब हम देखेंगे रेसिपी के बाद। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज के चुकंदर को छिलका निकाल के ग्रेट कर लिया है। अभी मैं इसका पूरा जूस निकाल रही हूँ। ये जूस निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम जूस नहीं निकालेंगे तो कटलेट क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छे से दबा के इसका पूरा जूस हम निकाल लेंगे। दोस्तों ये जूस भी बहुत हेल्दी होता है, इसे फेंकिएगा मत। इसमें थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर और नींबू डाल के आप इस जूस को पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रहता है। अभी मैंने इसमें दो उबले हुए और मैश किए हुए आलू डाले हैं, करीबन जितना चुकंदर है उतना ही आलू है। अभी इसमें दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है। अभी इसमें उबले हुए मटर डाले हैं, थोड़े से काजू के टुकड़े डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अभी इसमें करीबन दो चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। अभी इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर भी डालेंगे। साथ में आधा चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच आमचूर डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए, उससे आपको नए वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते हैं। अभी मैंने इसमें आधा कप पोहा की पाउडर डाली है। पोहा की पाउडर मिक्सर में से बना ली थी पहले ही। अगर इस मिक्सचर में कुछ मॉइस्चर बचा है तो पोहा पाउडर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी, बाइंडिंग के लिए भी मदद करेगी और इन कटलेट को क्रिस्पी बनाने में भी मदद करेगी। पोहा पाउडर के बजाय आप चावल का आटा या फिर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने दूसरे बोल में एक बड़ा चम्मच मैदा, दो बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच नमक डाला है। अभी इसमें एक चौथाई कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका हम घोल बनाएंगे। पतला घोल बनाना है। ये इतना पतला घोल बनाया है मैंने। अभी इस घोल को साइड में कर लेंगे और हम पैटीज बना लेंगे। जो पहले हमने मिक्सचर तैयार किया था उसकी पैटीज हम बना लेंगे एक ही साइज की। मैं यहाँ पे मीडियम साइज के ऐसी फ्लैट पैटीज बना रही हूँ ताकि वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके। ऐसे ही मैंने सभी पैटीज बना के तैयार कर ली है। अब हम इन पैटीज को कोट करेंगे। सबसे पहले इसे कॉर्न स्टार्च और मैदे के घोल में डालेंगे। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स के बजाय आप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोटिंग करने से कटलेट ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। कोट करने के बाद अभी हम कटलेट को फ्राई करेंगे। कटलेट को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे उसे फ्राई करेंगे तो वो बहुत तेल पी सकते हैं, अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो जल सकते हैं। इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। मैं एक बार में चार कटलेट को फ्राई करूंगी। इनको मैं बीच बीच में फ्लिप करती जाऊंगी ताकि दोनों साइड से वो अच्छे से फ्राई हो सके। यहाँ पे थोड़ा हल्के हाथ से उनको फ्लिप करेंगे ताकि वो टूट ना जाए। मैं यहाँ पे करीबन एक दो मिनट के बाद उनको फ्लिप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कटलेट्स को शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्नैक रेसिपीज के वीडियो की लिंक दी है, वो वीडियोस भी आप जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अभी ये कटलेट फ्राई हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी लग रहे हैं। करीबन 8 मिनट लगे मुझे इस लॉट को फ्राई करने के लिए। अभी हम इनको निकाल लेंगे। गर्मा गर्म बीटरूट कटलेट तैयार है। इसे केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। अभी हम देखते हैं फन फैक्ट के सवाल का जवाब। फन फैक्ट के सवाल का जवाब है कि अगर किसी के पेट में स्टमक एसिड की मात्रा कम है तो वो व्यक्ति चुकंदर को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसी कारण चुकंदर में जो बिटलिन नाम की लाल रंग की पिगमेंट है वो उनके यूरिन में उतरती है और उसे गुलाबी रंग का बनाती है। इसे बिटूरिया कहते हैं। जिस व्यक्ति की यूरिन चुकंदर खाने के बाद गुलाबी नहीं होती उनमें सफिशियंट मात्रा में स्टमक एसिड होता है।
ये सिंपल बीटरूट टेस्ट हमें ना सिर्फ स्टमक एसिड बल्कि हमारे हाजमे के बारे में भी जानकारी देती है। हेल्दी स्टमक एसिड की मात्रा से हमारा शरीर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को खाने से डाइजेस्ट कर पाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।